हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ आपको देंगे अहम खबर। कराची के इलाके एफपी एरिया से, जहाँ ब्लॉक 17 में फैमिली से लूटपाट की कोशिश, शहरी की फायरिंग से डाकू जख्मी हो गया, साथ ही फरार होने वो क्या। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से 30 बोर पिस्तौल बरामद की गई है। जख्मी मुलजिम खातून से वारदात कर रहा था। पुलिस के मुताबिक खातून के बेटे ने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें एफपी एरिया ब्लॉक 17 में फैमिली जो है शादी के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान जो है दो मुसल्ला मुलजिमान की जानिब से फैमिली को लूटने की कोशिश की गई, जबकि शहरी की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें डाकू जो है शदीद जख्मी हो गया, जबकि डाकू का दूसरा साथी जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया कि जख्मी मुलजिम जो है शादी की तकरीब पर जाने वाली खातून से वारदात कर रहा था। खातून के बेटे ने देखा तो अपने लाइसेंसी याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग करी। इसी दौरान जो है फायरिंग का तबादला भी हुआ, जबकि मुलजिम जो है वो मौके पर ही शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम को तबी इमदाद की फरहमी के लिए बादशाह अस्पताल मुंतकल कर दिया गया, जबकि मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्तौल पुलिस ने बरामद कर लिए। मजीद तफ्तीश जो है पुलिस हुकाम की जानिब से की जा रही है, और मुलजिम का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो भी सीआरओ चेक किया जा रहा है। जी ठीक है काशान, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।